Two. Good job. Come on, push up, push up. Three. Sunaina ka acha ho raha hai push up. Four. Come on. Five. Sunaina, very good. Six. Ravi, come on. Seven. Wow, very nice. What you? Show me your gargling. Show. Yes, Kabu. Come on, Kabu. Very nice. Woohoo! Hi mommies and daddies, welcome back to MomComIndia. Today is Sunday 5th April and today we thought that this vlog is very important because 9 minutes ke liye kuch bahut hi khas hone wala hai, so we definitely had to record this. वैसे लाइफ हो गई है बहुत बिजी. लॉकडाउन में आप लोग क्या क्या कर रहे हो वो मुझे जरूर बताना. वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कर रही हूँ वो है लाइफ में, जैसे मुझे कुकिंग नहीं आता है तो मैंने सौरभ से रिक्वेस्ट करी है कि इस लॉकडाउन के दौरान मुझे कुछ चीजें सिखा दो. सो सौरभ ने अभी मानसी की ट्यूशन क्लासेस चल रही है तो मानसी आज सेकेंड आइटम अपना सीख रही है जो बहुत ही सिंपल आइटम है, लेकिन ऐसे सिंपल आइटम से ही बंदा सीखता है. तो मानसी की अभी क्लासेस चल रही है बट वो जैसे क्लास में नॉटी बच्चे नहीं होते कि मतलब टीचर को बहला फुसला के थोड़ा साइड में आ जाते हैं, तो मैं वहां से थोड़ा साइड में, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉक करके आती हूँ एक मिनट, तो मैं यहाँ आ गई हूँ. कबीर आ गया. व्हाट्स नॉट वर्किंग? You want to watch Peppa Pig? Okay, I'll come and help you. Yes, do it. Wait a minute. ओके गाइस, तो कबीर को मैं टीवी लगा आई हूँ, तो बेसिकली यही तरीका है जिससे कि मैं और सौरभ इकट्ठे किचन में रह के कुछ सीख सकते हैं ताकि वो भी अपना थोड़ा सा इस टाइम पे टीवी देख ले, इस कैचअप को थोड़ा प्रोडक्टिव करते हैं. कुछ सीखना है यार, सब लोग लॉकडाउन का फायदा उठा के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं भी बोल सकूं कि इस लॉकडाउन से जो एक अच्छी चीज निकली वो ये है कि मैंने कुकिंग सीख ली, विच इज सो इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ अपडेट ये है कि हमारी सोसाइटी में 2 दिन पहले हमें मैसेज आया कि यहाँ पे एक टावर है हमारे बिल्कुल साथ में ही, तो यहाँ पे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं तो चाहती हूँ किसी को भी कोरोना ना हो, बट क्योंकि इतनी पास है, अभी तक क्या हुआ था जब तक सोसाइटी में कोई न्यूज नहीं आई थी तो थोड़ा सा एटलीस्ट आपको अंदर सेफ फील हो रहा था, बट उसके बाद काफी स्केर्ड फील होने लग गया बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर ही सुपर मार्केट है, अंदर ही केमिस्ट शॉप है, तो बेसिकली सबके लिए एक ही शॉप है जहां पे सब आते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगने लग जाता है कि कहीं आप वहां पे तो नहीं गए, किसी के साथ इंटरेक्शन तो नहीं हुई, ऑल्दो आप बिल्कुल प्रिकॉशन ले रहे हो बट फिर भी थोड़ा डर तो लगता है. तो वो चल रहा था, कल हेल्थ वर्कर्स आए हुए थे, उन्होंने हर घर में आके चेक किया कि किसी को कोई सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, कि कोई बाहर से तो नहीं आया है, खांसी जुकाम तो नहीं हो रहा. पुलिस वाले बाहर सोसाइटी के बैठे हुए थे टू इंश्योर कोई भी घर से बाहर नहीं निकले बिकॉज 2 दिन टोटल लॉकडाउन था, मतलब आप बिल्कुल नीचे तक भी नहीं आ सकते हो, कुछ भी खरीदने सब कुछ बंद था ताकि पूरी सोसाइटी सैनिटाइज हो सके. तो उस मामले में तो मैं बोलूंगी कि गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिवली सारे मेजर्स ले रही है. सो बस इसी के साथ अब हम जाते हैं कबीर को ये यमी यमी चिप्स खिलाते हैं. और गाइस, हमारे यहाँ पे सिचुएशन एक्चुअली में काफी स्केरी है. सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि सोसाइटी के अंदर लॉकडाउन में रहिए, बट अगर कोई भी रूल ब्रेक करता हुआ पाया गया तो बाहर पुलिस है, पुलिस वैन है, और जो भी इसको ब्रेक करेगा उसको सेक्शन 188 के तहत जेल में भी लेके जा सकता है और उनके ऊपर जुर्माना और बाकी सजा वगैरह भी हो सकती है. तो हम लोग उस रीजन से भी बिल्कुल सारे के सोसाइटी के लोग जो है वो अंदर रह रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बट हाँ मतलब सिचुएशन काफी स्केरी है. और प्रॉपर जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसी मूवीज में जहाँ पे ये सारा होता है, तो वैसा ही सिचुएशन है यहाँ पे एंड इट्स वेरी स्केरी. तुमसे एक क्वेश्चन पूछना मुझे इसी बात पे जी, कि ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को कैसे पता था कि कोरोना होने वाला है? क्योंकि वो पहले से ही घर के अंदर रहना चाहते थे क्योंकि चाबी उनकी खो चुकी थी, इसलिए. कि उन्होंने कैसे वो गाना बनाया, अंदर से कोई बाहर. तो अब जाते हैं गाइस इसी के साथ कबीर के साथ, लेट्स गो. Mom, do you watch TV? No, Mom!
Dada. Because of Corona, I want to go. Dutu, I don't want. I want to go. Oh, thank you, Daddy. Thank you, Mommy. Okay, I don't want to go park anymore. But Daddy, Daddy bhi ro rahe. Daddy. What is the spelling of my daddy's name? What's your spelling? K-A-B-I-R. What is it? K-A-B-I-R. Kabir. Oh, K-A-B-I-R. Bread also. You too don't like bread. Give me banana. I love it. Ye mummy daddy sirf na pyar karte rehte mujhe. Oh, girl, ne girl. Today is the day. First day of school. So many. Hey, put the torch near your face, then I can see you. Near your face, your face. Hi, Kabir. Hi. How are you, Kabir? I'm nice. What are you doing outside? I'm candling. You are candling? What are you candling for? God for coronavirus to go. Oh, you're candling to God for coronavirus to go. That's a very sweet thing. Achha, you are doing torch and your daddy is doing candle? I'm putting the candles now. Okay. And sharp at 9 o'clock. We candle to Diya. Diya? Candles, okay, put it on your mouth. No, I can't. Sorry, your face. I can't see your face. Can you see us? Yeah, I can see Kabir. Can you see Kabir? Yeah, Kabir jumping like a monkey. Jumping. He's so excited. Call Dadu Thamma. We have some candles here. We have some Diyas also. Okay. And then it's me. Sure. Yeah, and I'm putting all the candles here. If you can see. Okay. And then I light them at Diyas. Yes, Diyas. Oh, देखो, वो इसमें भी Spiderman बन गए. कबू दादू चम्मा को बुला के लाओ. बोलो, it's candle time. जल्दी भाग के जाओ, भाग के जाओ. कभी थोड़ा सा पीछे हो जाओ candle से. आहा. Not there. Over there. On that side, yes. Wow, Kabir. Wow. Happy Diwali. Kitna khush hai. Put one near that. Give me. It's off. Kabir ko aata hai na. Acha Kabir, aarti leke dikha do na. Aarti leke dikhao. Aarti kaise lete hai Kabir? Dad ko aarti de do. Show me. Aha, aarti. Oh. मम्मा और ब्रिटामी को भी दे दो आरती. मेरे को भी दे दो भाई आरती. जाओ मम्मा को दे दो आरती. दे दो. थैंक यू. टम्मी को दे दो. थैंक यू. Heal the world, make it a better place for mama and for mama. For mama and mama only. For mama, you mama. And for me. For mama and mama. And the entire you and mama. Mansi, how are you feeling today? I'm feeling very positive and very hopeful that everything will get better very soon. And I'm very happy to see Kabir also. तो अभी उसकी जो happiness मैंने देखी, जो हम light कर रहे थे, उसने बोला happy Diwali. तो आपको इससे पता चलता है कि कैसे छोटी-छोटी चीजें करने से एक बच्चे के अंदर भी इतना hope, इतनी excitement आ सकती है. मुझे ना समझ नहीं आता,
लोग इतना डिबेट करते हैं, पहले भी किया था कि ये क्या पूरा ड्रामा है, सब ने क्यों बजाया ये जो आप कर रहे हो, और इस बार भी लोगों का डिबेट था ये क्यों करें हम। अरे घर के अंदर बैठे हो, लॉकडाउन में हो, 9 मिनट बालकनी में आ जाओगे, लाइटें बंद हो जाएंगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। कभी कभी कुछ अगर अपने लिए नहीं भी करना है तो कम्युनिटी के लिए कर दो। मतलब what I don't understand is that what is the harm in doing something, right? लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग अचानक से साइंटिस्ट बन जाते हैं और लोगों को ये डिबेट हो जाता है कि भाई इससे फायदा क्या है, मतलब साइंटिफिकली नुकसान क्या है। यू नो माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द हार्म, इज इट नुकसान ये है कि जो मेन मुद्दा है उससे लोग भटक जाते हैं कि भाई लाइट जला के और थाली पीट के कुछ ठीक नहीं होता, और जो मेन एक्चुअली है कोरोना वायरस की इतना सीरियस है और काफी डेथ्स वगैरह हो रहे हैं वो भूल जाते हैं। शायद ये डिबेट है लोगों का। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि आपसे जो बोला जा रहा है आप वो करो, आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि घर के अंदर रहो, आप पहले अपना पार्ट तो पूरा करो, सेफ्टी मेजर्स तो पूरे लो। अगर हम एज अ कम्युनिटी वो कर सकें तो ये जो कोरोना वायरस है या कोई भी और चीज़ है ये इतनी तेज़ी से ना आगे बढ़ेगी ना इफेक्ट करेगी। प्रॉब्लम है हम वो कर नहीं रहे जो हमें बोला जा रहा है करने को, हम उसमें भी डिबेट कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि ये छोटी सी चीज़ करने से लोगों के फेस पे स्माइल आ रही है, लोगों को एक होप जाग रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है। यार एक पूरे दिन में जहाँ टीवी पे सिर्फ स्ट्रेसफुल न्यूज़ आती रहती हैं, व्हाट्सएप पे अजीब अजीब मैसेजेस आते रहते हैं, जब बात करो सिर्फ नंबर्स के बारे में बात होती है, तो वाई नॉट जस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स इन द डे। यार व्हाट्स द हार्म इन इट? सो गाइज प्लीज़ डू इट, स्टे पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव इन दिस टाइम्स। यू गॉट फायर, यू गॉट कैंडल, सी यू पिक्ड अप अ कैंडल, it can fall on your hands, the wax can fall on your hands, give me, de do. It can hurt you. Chalo let's go inside. What do you think, daddy? तो वैसे हम अंदर आ गए हैं और अब हम बना रहे हैं कबीर के लिए पास्ता विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स, अनियन डाल के टेस्टी सा पास्ता उसके लिए रेडी हो रहा है बिकॉज उसने डिमांड किया। तो व्हाइल डैडी इज कुकिंग एंड आई एम लर्निंग, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि पास्ता बॉयल होने में टाइम लगेगा। डिस्कशन ये अब डैडी से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या व्यू है इस चीज पे, इतना जो डिबेट चल रहा है इस चीज को लेके कि ये करने से हमें क्या फायदा होगा, पिछली बार थालियां बजाने से क्या हुआ, इज दैट रियली नीडेड, इज दैट द अप्रोच पीपल शुड हैव राइट नाउ, और वी शुड रियली हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सो मच नेगेटिविटी। देखो डिबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिबेट तो एक अच्छी सोसाइटी में होना ही चाहिए, और डिबेट करेंगे तभी जो है सही डायरेक्शन पे हम लोग जा पाएंगे। और डिबेट का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने ओपिनियन में बिल्कुल अड़े हुए हैं, डिबेट का मतलब यह है कि फैक्ट्स चेक करिए और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए। तो डिबेट इज गुड। जहां तक डिबेट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स का कंसर्न कि भाई लास्ट टाइम हमने थाली बजाया, इस टाइम पे हमने लाइट जलाया, तो उससे हो क्या रहा है, फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम के बाद भी तो नंबर्स बढ़ ही रहे ना। लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी ये डायरेक्टिव होता है उसके पीछे बहुत बड़ा एक थिंक टैंक होता है, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और काफी अच्छे लोग इस चीज को सोचने के बाद ही ये चीज करते हैं और करवाते हैं। तो हो सकता है कि सुपरस्टिशन हो सकता है कि सुपरस्टिशन ना हो, कोई और रीजन हो लोगों का मोराल जो है वो बूस्ट करना हो, बट कोई भी रीजन हो अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो आपको एज ए सिटीजन बिल्कुल खड़ा होना चाहिए साथ में अपने गवर्नमेंट के और करना चाहिए। एब्सोल्युटली आई आल्सो टोटली अग्री। और इंडिया के ऊपर अभी तुम्हारा क्या व्यू है, इंडिया के जिस तरीके से नंबर्स जा रहे हैं, डू यू थिंक कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड दैट वी आर इन अ बैड शेप राइट नाउ? सो कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड वी आर इन अ फार बेटर शेप। मतलब इंडिया तो छोड़ो, मतलब जो टॉप 4 or 5 कंट्रीज हैं उसके अंदर यूएस, इटली, स्पेन, चाइना, ये सारी कंट्रीज आ रही हैं। यूएस में ऑलमोस्ट 3 लाख केसेस हैं, और इटली और स्पेन में 1.5 लाख के आसपास केसेस हैं। चाइना चलो एक्सेप्शन है, उसके नंबर्स के ऊपर ज्यादा लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट यूएस, इटली, स्पेन, वहां पे काफी नंबर्स खराब है, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे डेथ्स हुए हैं, उसके कंपैरिजन में इंडिया के नंबर्स बिल्कुल आसपास भी नहीं है, जो थोड़ा स्कैरी भी है क्योंकि ऐसा ना हो कि इंडिया के नंबर सडनली बढ़ जाएं। बट जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो रोक देना, बॉर्डर सील कर देना, उससे लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, बट नंबर्स के परस्पेक्टिव से ये वायरस जो है काफी हद तक कंटेन्ड है। एब्सोल्युटली। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने शुरू में बात भी करी थी अबाउट द प्रोएक्टिव मेजर्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, जैसे उन्हें एक केस का पता चल रहा है
है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लोगों को क्वारंटाइन करना आई थिंक दोज आर रियली फास्ट मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन हमें सामने से दिख रहा है कैसे पुलिस वाले घूम रहे हैं आप थोड़ा सा वॉक के लिए भी निकलो तो आपको वापस अंदर कर दिया जा रहा है दैट कैन बी रीजन टू रीजन बट आई रियली एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यू नो वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट वी आर इन आवर ओन कंट्री वी हैव अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स हु आर स्टक इन यू नो द प्लेसेस वेयर दे आर वर्किंग एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन देयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देम बट आपको घर तो मिस होता ही है इस टाइम पे और इस टाइम पे हम लोग बहुत खुश हैं और काफी सेफ फील करते हैं कि वे इंडिया में हैं क्योंकि इंडिया के नंबर्स जो हैं इस सिचुएशन में तो कम से कम कंटेन्ड है बाकी वी होप दैट हर जगह से ये वायरस कम्प्लीटली निकल जाए किसी को भी कुछ ना हो जो होना है वो तो होता ही है बट ठीक है रिकवरी भी आई थिंक काफी हो रही है मतलब लोगों को काफी नेगेटिव हो रहा है कि वायरस हो गया ये हो गया बट रिकवरी भी आप देखो रिकवरी भी काफी अच्छी हो रही है इनफैक्ट हम इस हफ्ते काफी सारे वीडियोज आपके लिए लाने वाले हैं ऑन जनरल टॉपिक्स लाइक आप अपनी इम्यूनिटी पे कैसे काम कर सकते हो ग्रोसरी वगैरह को सैनिटाइज करने के सही तरीके तो मेक श्योर यू आर ट्यून्ड टू आर चैनल यू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड एक लाइटर नोट पे बोलना है क्योंकि सौरभ ने डिबेट को इतना हेल्दी बोला तो इसका मतलब जो तुम्हारी हमारी डिबेट होती है नॉर्मल लड़ाई होती है इट इज हेल्दी राइट मैंने जैसे बोला ना कि डिबेट जो है इट शुड लीड यू टू द राइट डायरेक्शन अपना ओपिनियन बना के आप उसमें अगर रिजेक्ट हो जाओ तो वो डिबेट हेल्दी नहीं होता एंड ऑफ द व्लॉग देखिए गाइस दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिबेट मानसी कट्स इट आउट बाय बाय